हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर फर्स्ट चैप्टर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। लास्ट टाइम ऑल्सो वी हैव डन दिस चैप्टर, राइट? लास्ट क्लास में मैंने जो चैप्टर पढ़ा था वो इट वॉज फ्रॉम अदर बुक। नाउ वी विल डू फ्रॉम योर साइंस, जो आपकी अभी प्रिस्क्राइब बुक है उससे, राइट? पढ़ना क्या, मैं आई विल जस्ट एक्सप्लेन और जैसे एक समरी टाइप का आपको बता रहा हूँ कि व्हाट यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर, राइट? कुछ आपने यू हैव डन अर्लियर ऑल्सो। नाउ द मेन थिंग व्हाट यू हैव टू डू, ये ध्यान रखो। मैटर आपने पढ़ा ही है, राइट? ऑलरेडी यू हैव डन मैटर। मैटर के एनीथिंग दैट हैज दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। इसमें स्पेस भी है, मास भी है, कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंसेस। ध्यान रखना, किससे फेल्ट हो रहा है? हमारे सेंसेस से। उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट मैटर कहते हैं। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर, यू नो मैटर कैन बी एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन कौन से? पहला सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर गैस है, राइट? अब बेस्ट एग्जांपल हम किसका कहते हैं? वी से बेस्ट एग्जांपल इज अ वाटर। किसका एग्जांपल कहते हैं? बेस्ट एग्जांपल किसका है आपका? वाटर का है। किसका एग्जांपल आपका? आपका वाटर बेस्ट एग्जांपल चल रहा है, इसका ध्यान रखना। वाटर इज बेस्ट एग्जांपल। नाउ क्लियर? अब नाउ वी विल मूव अहेड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आपका देखो प्रॉपर्टीज़ का बेस क्या है? शेप में, वॉल्यूम में, फ्लो कैरेक्टरिस्टिक में, टेक्सचर, कंप्रेसिबिलिटी, आपका स्ट्रेंथ, इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉलिड के बारे में चेक करते हैं, राइट? वी विल स्टडी अबाउट सॉलिड। अब सॉलिड में क्या है कि शेप क्या होता है? डेफिनेट शेप। आपने देखा होगा बॉक्स होता है, बिल्कुल फिक्स होता है, इट इज़ अ डेफिनेट। आपका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम में सॉलिड की होती है, डेफिनेट होती है, फिक्स होती है। आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, राइट? यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, राइट? आप कि सिलेंडर का है, राइट? आप क्यूबॉइड है, आपका स्फीयर है, राइट? इन सब के हम क्या वॉल्यूम निकालते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? फ्लो कैरेक्टरिस्टिक। आपको मालूम है सॉलिड है, इट कॉन्ट बी कैन नॉट फ्लो, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स के दे आर टाइटली पैक्ड। नेक्स्ट टेक्स्चर। टेक्स्चर क्या है? इट इज़ हार्ड एंड रिजिड, काफ़ी हार्ड होता है, लकड़ी है, हार्ड है, रिजिड, राइट? मुड़ती नहीं आपके आसानी से। कंप्रेसिबिलिटी, हम इसको नहीं मोड़ सकते, आप इसको स्पंज यानी पिचका नहीं सकते, आपके सॉलिड हार्ड होता है। आपका पार्टिकल्स क्या है? दे आर क्लोजली पैक्ड हुए हैं। इंटर मॉलिकुलर स्पेस, इट इज़ वेरी लिटिल। इंटर मॉलिकुलर स्पेस क्या है? इस दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस क्या है? बहुत कम होता है। एंड लास्ट, पोजिशन ऑफ पार्टिकल क्या है? इट इज़ फिक्स। पार्टिकल अपनी जगह फिक्स हैं, तभी तो मूव नहीं कर पा रहा है, तभी तो स्पेस नहीं है उनकी, राइट? दे आर फिक्स्ड, राइट? नेक्स्ट आपका वी विल सी द केस ऑफ लिक्विड। लिक्विड में क्या है? दे हैव डोंट हैव डेफिनेट शेप। लिक्विड का आपने देखो, यू कैन पुट इन एनी ग्लास, राइट? लिक्विड है, ग्लास में डालो, इट टेक द शेप ऑफ ग्लास। यू कैन पुट इन अ बाउल, बाउल का शेप लेगा, राइट? आप किसी भी यूटेंसिल में यू पुट इट, इट टेक द शेप ऑफ दैट ओनली, राइट? अगेन डेफिनेट वॉल्यूम, राइट? इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम। यू कैन से द ग्लास और सिलिंड्रिकल शेप हो गया, राइट? यू कैन पुट अ स्क्वायर बॉक्स में रखते हैं आप, वो उसका वॉल्यूम बन जाएगा। एंड लिक्विड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लेवल, ऊपर से नीचे की ओर आता है पानी, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है। इट्स क्लियर? नाउ नेक्स्ट आपका कैन बी, इट इज़ नॉन रिजिड। नॉन रिजिड यानी इतना कठोर नहीं है आपका, आपका कि पार्टिकल्स दे आर फार अपार्ट, तो आपके क्या है? दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल है, तभी तो वी कैन ईजली, क्योंकि पार्टिकल्स दे कैन मूव, दे कैन मूव हियर एंड देयर, राइट? नेक्स्ट आपका क्या है? दे कैन बी कंप्रेस। आप पानी के लो, पानी कंप्रेस हो जाता है। इसका रीजन क्या है कि पार्टिकल दे आर फार अपार्ट। नेक्स्ट मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, राइट? कि सॉलिड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, राइट? सॉलिड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ये क्या आपका? सॉलिड से थोड़ा कम है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सॉलिड से कम है। और इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड से कम है, राइट? सबसे ज़्यादा किस में इसने सॉलिड इंटरमोलिकुलर स्पेस बोला है, राइट? स्पेस किस में ज़्यादा होगा आपका? सबसे ज़्यादा सबसे इसमें देखो, सॉलिड में सबसे कम है, इस पर थोड़ा सॉलिड से ज़्यादा है, राइट? तभी तो मॉलिक्यूल मूव कर पा रहे हैं, राइट? और लास्ट आपका क्या है? कैन मूव टू नेबरिंग स्पेस मॉलिक्यूल वॉल्यूम, राइट? और किसी भी मूव कर सकता है, राइट? फ्रॉम हेयर टू हेयर वो कहीं मूव कर सकता है। एंड नेक्स्ट आपका हम, राइट, जो आपका लास्ट जो है गैसेज वाला है, राइट? गैसेज में यू कैन सी कोई उसका शेप नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है, कैन फ्लो आसानी से मूव कर सकता है। क्यों? उसका वो क्या है, क्या बोलते हैं इसे हम? इट कैन फ्लो, कि द पार्टिकल्स जो है फार अपार्ट है, दे आर फर्दर अपार्ट, राइट? फार अपार्ट कहते हैं काफ़ी दूर दूर, इस तरह से मूव कर सकता है, राइट? दे आर नॉन रिजिड, कोई शेप ही नहीं, तो नॉन रिजिड है आपका। एंड दे कैन बी कंप्रेस इजली। गैसेज क्या, पार्टिकल अगर दूर दूर है तो कंप्रेस करना ईजी है। दे आर नेग्लिजिबल, दे आर लार्ज एंड कैन मूव फ्री इन ऑल डायरेक्शन, और हर डायरेक्शन में क्या होते हैं, दे कैन मूव। नेक्स्ट अब आपका, अब क्या प्रॉपर्टीज ऑफ, हम किस में जा रहे हैं? मास हैज ऑक्यूपाइज स्पेस। अब इस पे स्पेस के लिए हम क्या पूछते हैं कि आप कैसे बता सकते हो कि मास ऑक्यूपाई स्पेस, मास सॉरी मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, सॉरी हम मैटर क्या है, मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस।
तो जो आपको एग्जांपल यहाँ सॉल्व कर दिखा रखा है वो एग्जांपल क्या है कि उन्होंने क्या कर रखा है कि उन्होंने एक बीकर लिया, राइट। बीकर में क्या था, दे हैव पुट स्टोन। उसमें क्या डाला, पहले पानी डाला, राइट, दे हैव पुट वाटर, राइट। वाटर का पहले स्टार्टिंग में व्हाट दे हैव डन, वाटर लिया, वाटर का वे नाप लिया, राइट। अगर मैं दोबारा इसको समझाऊँ, आपने वाटर लिया, राइट, वाटर लिया, अब वाटर को क्या करो आप, इसका वे नापो, वे मशीन में वेट आ गया, राइट। देन अगेन अब बीकर में वाटर लिया और एक स्टोन लिया, और स्टोन को आपने कहाँ डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया। अब अगेन द वाटर लेवल विल राइज, राइट। तो आपने दोबारा इसका क्या, इसका वे नापा, आपने इसका क्या है, वेट नापा, राइट, इसका जो स्टोन के साथ वेट नापा। नाउ यू विल गेट अ न्यू वेट, पहला वेट मान लिया लेट्स 10 kg था, राइट। पहला क्या था, हम मानते हैं कि 10 kg वेट था, और अब कितना आया, 12 kg वेट आया। अब डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस 2 का आ रहा है ना, ये किसके कारण आ रहा है, बिकॉज ऑफ स्टोन, यानी कि ये क्या शो करता है कि स्टोन का क्या है, मास है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन सी द एग्जांपल, उन्होंने क्या स्पेस के बारे में एग्जांपल रखा है, राइट। लेट्स थिंक दिस, मास ना, मास एंड हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, हो तो कि जगह पत्थर जगह भी घेरी है, तभी तो पानी का लेवल इंक्रीज हुआ। नाउ अब इन्होंने क्या, दो बाउल रखे हैं, एक बाउल ये ले लिया और एक बाउल ये रहा आपका, एक में पूरा पानी भर दिया, राइट, पूरा फिल टॉप तक भर दो आपने, राइट, पानी ऊपर तक भर दिया, और इसका वे नाप लेना, और दूसरे को दूसरा खाली है, राइट, टेक अनदर बाउल, वो बिल्कुल इट इज़ एम्प्टी, राइट। यू मेजर इट, राइट, इसको मेजर करना, और ऐसा ये यू इसको यहाँ मेजर करना, और ये पूरा पैन लेना, और यहाँ पर आप नाप लेना, एक को आपने यहाँ रखा, एक को इधर रखा, तो जिधर पानी ज़्यादा होगा, राइट, जिधर पानी ज़्यादा होगा उधर की तरफ ये क्या होगा, टिल्ट हो जाएगा, इट विल टिल्ट, इट शोज दैट इट हैज़ मास, क्या शो कर रहा है, मास। और इसका बेस्ट एग्जांपल और इजी करना है, तो हम यहाँ से बैलून वाला एग्जांपल जो हमने पहले पढ़ा है, हम उससे शो करते हैं कि बैलून है, आपने दो बैलून ले लिए, राइट, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, दोनों को पहले फिल करके बांध दो, राइट, और एक को आप क्या करो, बस कर दो पॉइंटेड पिन से। तो आप क्या देखोगे कि ये जो वाला पार्ट है, ये बात में क्या रहेगा, इट विल आपका क्या रहेगा, ये नीचे की ओर झुक जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट वी विल डू कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब कंपोजिशन मैटर में क्या हो रहा है कि ये किस किस से मिलकर, किस किस से मिलके बना हुआ है, राइट। तो मैटर क्या होता है, दे आर क्या, मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल एटम्स, से मिलके बना है, राइट। ध्यान रखना किससे बन गया है, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स, राइट। और एटम इज द स्मॉलेस्ट, एटम की डेफिनेशन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, लर्न इट, राइट। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर एंड एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, गॉट इट। नाउ वन मोर थिंग्स, और ऑलवेज रिमेंबर, अब मॉलिक्यूल और दो चीज़ें, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल किससे बनते हैं, आपके एटम से बनते हैं, और ये चीज़ ध्यान रखना कि एटम जो है आपका, एटम ये दिख रहा है आपका, ये आपको क्वेश्चन बहुत आता है कि एटम डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटम डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन उधर मॉलिक्यूल इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके, मॉलिक्यूल्स दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं बट एटम दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, राइट। इसको अंडरलाइन कर लेना ध्यान से, राइट, गॉट इट, राइट। नेक्स्ट आपके, अब ये जो पार्ट है आपके, दिस दीज आर द योर, ये आपके कुछ, सो यू नो अबाउट द मैटर के बारे में रखें, ये सब आप अच्छी तरह पढ़ लेना, राइट। और इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन आंसर है, उनको आंसर देना है, द आंसर यू विल डू यू एस एफ इन योर कॉपी। आपको क्या करना है, कॉपी में आपको ये ओरल क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन आंसर करने हैं, टिक द करेक्ट वन करने हैं, राइट। अगेन ओरल क्वेश्चन ए बी सी डी, ऑल यू हैव टू डू यू एस एफ लास्ट टाइम ऑल्सो वी हैव डन, राइट, उस बुक से हेल्प लेना, राइट। एंड डू ऑल क्वेश्चन, राइट, एंड ओरल क्वेश्चन ऑल्सो, और इन नेक्स्ट क्लास आई विल प्रोवाइड यू आंसर फॉर दिस।